बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमर छत्तीसगढ़ में हाँ जी 12 महीना होते 12 महीना और 12 महीना में हाँ 12 मासी अलग अलग जो हमारे लोक विधि है हाँ। जिला छत्तीसगढ़ के धरोहर माने जाते धरोहर माने जाते हैं। ये हमार संस्कृति है रे हाँ। हमार सभ्यता है रे हाँ जी। हमार लोक गीत में जैसे सुआ है, पड़की है, कर्मा है, ददरिया है, पंडवानी है हाँ। पंथी है हाँ। इला सब लोक गीत माने गए हैं। अच्छा, तो हम हर पर्व में अलग अलग गाना ला गाथन तो हाँ। यही लोक विधा में लोक गीत में एक और गीत गाथन हाँ। जेला हमन सुआ गीत कथा हाँ जी। और सुआ गीत के घलो बहुत महत्व है बाबा, महत्व है। ये जो हमार छत्तीसगढ़ के लोक विधा है ना हाँ। वो कबू कबू नंदाय से लाग जाते हाँ। हमार बाल बच्चा मन जो अभी लड़का है ते मन ला पूछबे ना तो वो मन नहीं जाने नहीं जाने। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक विधा है हाँ। ये धरोहर है हाँ। बोला बचा के रखना है ताकि आने वाला भविष्य में हमारे जो बाल बच्चे है हाँ। तो मन भी जाने कि छत्तीसगढ़ के लोक विधा काला कथे और ये लोक गीत कब कब गाए जाते हाँ। और कौन कौन से पर्व में गाए जाते हाँ। तो मैं आज बात करत हूँ सुआ के हाँ। ये सुआ मतलब होते मिठू। अच्छा, मिठू जानते हाँ। एकर जो तालुकात है ना हाँ। वो प्राचीन काल से हाँ। और हमारे ये जो चारों युग है ना हाँ। इनमें भी सुआ के महत्व बताए गए हैं चारों युग में अलग अलग हाँ। ये सुआ होते का हमारे जो मन के बात है हाँ। वो मन के बात ला समझते हाँ। और मन के बात जो बोलवे ना वो पहुंचाए के काम करते हाँ। पहली समय में जैसे राजा महाराजा मन चिट्ठी पत्री के समय चले ना हाँ। तो घर में अपन पालतू तोता रखे रहे हाँ। सुआ तो जरूरत पड़े तो चिट्ठी लिख के वो तोता के पंख में बांध दे। ये द्वापर युग में भी कथा में महाभारत के सुनेल मिली से हाँ। केहल मिली से हाँ। कि महाभारत में भी जब अभिमन्यु के शादी हो वही रथे हाँ। बाई बसंता के साथ हाँ जी। पांच वही पांडव किला में धसे रथे हाँ। वो मन जल मर के खोहार हो के खबर दे रथे हाँ। तो बाई बसंता अपन जो भावना रहे हाँ। वो पत्र में लिखते और पत्र में लिख के तोता के पंख में बांध देते बांध। तो ये सुने के और कहे के मौका भी मिलते हाँ। हर युग में सुआ के कोई ना कोई महत्व बताए गए बताए गए। तो देखन कि सुआ गाथे कैसे और ये सुआ ल कब गाए जाते हाँ। तो जैसे हम दिवाली तिहार मनाथन ना हाँ। दिवाली तिहार के पहली हाँ। महतारी मन या फिर छोटे छोटे बेटी मन हाँ। हाँ। एक छोटी टुकनी में इसे तोताल बनाए रखे हाँ। लकड़ी डाल के तोताल बांधे रखे और वही धर के बढ़िया सुआ गीत गाए बर जाते रहा और गली गली में बढ़िया घूम घूम के सुआ गाते रहते पहिरे
कैसे ना सुहा गात रहते गा बस्ती में घूम घूम के वो विदा करते तहन फिर दूसरा जगह जाते वो विदा करी तहन फिर तीसरा जगह जही आओ वैसे घूम घूम के सुहा गाते पड़की घलो गाते हाथ में चटका धरे रहते चट चट बजा बजा के पुराना सियान मन ही नहीं तेवन पर सुघर सुघर सुहा पड़की गाते ये सुहा एक पक्षी है लेकिन ओकर जो तालुका तो हमारे जीवन से जुड़े हुए आदमी मन के भाव लोग समझते जैसे घर में पाले रहे होते जैसे बात करबे वैसे बहु करते नहीं वो सब लोग जानते तो वो हमारे जैसे मनुष्य मन से ओकर जो भावना है वो जुड़े रहते एक बार की बात है बाबू माता पार्वती अब भगवान शंकर बैठे रहते अच्छा आप दोनों को ख्यात रहते पार्वती कथे भोलेनाथ राख ल चुपर थो तहु बनी है हो सांप डेढ़ूल पहिरे वहु बने है वहु बने बिछुक माला पहिरे वहु बने वहु बने लेकिन ये मुड़ी के माला ल तुमन पहिरे का बार पहिरे हो बोला ये माला का कर है हो भगवान भोलेनाथ के थे पार्वती हां ये जो मुड़ी की माला है ना हाँ, ये कोई दूसरा का नहीं हाँ, ये तोरे मुड़ी की माला है ऐसे काबर की मैं तोर से अगाध प्रेम करती हूँ हाँ, अथाह प्रेम करती हूँ हाँ, जी और ते जब जब मरे हस हाँ, तब तब तोर मुड़ी के माला में पहिरत है हाँ, फिर ते दूसरा जन्म ले हस हाँ, अब फिर जब मरस हाँ, तो फिर तोर मुड़ी माला निकाल के मैं पहिरू हाँ, काबर की मोर प्रेम अथा है हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम करत हो तो अच्छा पार्वती कथे भोलेनाथ हाँ, ये सही में मोर मुड़ी के माला है हाँ, ता ये बताओ मैं हमारा के हूँ हाँ, ता तू मन कैसे नहीं मरे हो तू मन जिंदा छू हाँ जी कथे हाँ पार्वती मैं मरे नहीं हूँ हाँ, काबर की मैं अमर कथा सुने हाँ जी अमर कथा सुने हो हाँ, तब ही अमर कथन महुन सुना देते हो भोलेनाथ भोलेनाथ कथे नहीं पार्वती ये तोर बस के बात नहीं है नहीं है काबर की माई लोग इनके जात पेल ही रखी हो और ते बार बार मोला कथस कि अमर कथा सुनू अमर कथा सुनू हो वैसने जीत करके ते एक बार मोला कुंभज ऋषि के आश्रम में लगे रही हो कुंभज ऋषि के आश्रम ये सतयुग के बात है हाँ। ये त्रेता युग के बात है हाँ। एक बार त्रेता युग माही हाँ जी और शंभु गए कुंभज ऋषि में हाँ। अब यही बात है जब वहाँ गेस ना तो तोर अंदर में शक उत्पन्न हो गई हाँ। शंका एकरे सेती कथन तोर ध्यान नहीं रही से ना नहीं रही तेकर सेती मैं ये अमर कथन तोला सुनाना नहीं चाहूँ हाँ। पार्वती कथे लेना सुनाओ ना भूले ना हाँ। पार्वती जीत कर रखे हाँ। तो ये जगह ना पार्वती भी अपन मन के जो भावना है भोलेनाथ ला मनाथे है नहीं इला सुआ के माध्यम से कथे कि एक समय पार्वती भोलेनाथ के लिए सुआ गाय रही से और एक समय जब राधा रानी ला छोड़ के भगवान कृष्ण कंस के विनाश करे वर गई तो कर वियोग में राधा रानी भी गाय रही से माता सीता जब लंका में रावण ले गए रही चोरा के तो कर वियोग में माता सीता भी राम ले याद करके अपन मन के भाव से सुआ में सुआ के माध्यम से अपन मन के भाव ला प्रकट करे वाह 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 भावन है सुहाना गावे सरगे कैसे
सरस्वती है भोलेनाथ ला मनात रहे कि भोलेनाथ महू ला अमर कथा सुना दे सुना दे महू अमर हो जाते हो पार्वती कथे देख पार्वती मैं तो ला बार बार चेताए रही काबर जब कुंभजरी आश्रम में गिरीस ना बाबू तो भोलेनाथ कथा सुनाए बर जात रही अच्छा लेकिन भोलेनाथ ला थोड़ा सा लेट होके जात रहे तो कुंभजरी से वो सब ला बैठ के आसन में कथा सुनात रही अच्छा जब कथा सुनात रही आसन में बैठ के ना हाँ। तो अब वो बैठ गए आसन में ना भोलेनाथ कैसे करती फिर चल लेट हो गए है देरी मांगे हो इसे कह के वो नीचे में बैठ गई अच्छा और नीचे में बैठी तो कुंभज ऋषि है बोला देखिसगा हाँ। अब कुंभज ऋषि देख के हाथ जोड़ेगा अच्छा हाथे जोड़ा बिनती हाथे जोड़ा बिनती करने लगे भैया करने लगे ए ना भाई हाथ जोड़ा बिनती हाथ जोड़ा बिनती करने लगे भैया वो करने लगे ए ना भाई बैठे रहा है हाँ। कुंभज ऋषि हाथ जोड़ के इसे सिर नवा के प्रणाम करिसगा अच्छा अब पार्वती के मन में शंका उत्पन्न शंका हो गए वो कथे भोलेनाथ हाँ। मने मन सोचा थे हाँ। हाँ। कि कथा कहने वाला है बड़े होते और सुनने वाला छोटे होते छोटे होते तो सुनने वाला है बोलने वाला प्रणाम करही हाँ। हाँ। ये भोलेनाथ ला काबर प्रणाम अच्छा ओकर मन में हो गए शंका अब कुंभज ऋषि अमर कथा सुनात रहिस ना तो ओकर ध्यान नहीं रहिस ओकर मन में शंका उत्पन्न हो अच्छा वही बात ला भोलेनाथ बताए कोशिश करत रहे पार्वती कि तोर मन में शंका उत्पन्न हो गए ना हो गए एक बार कुंभज ऋषि आश्रम में हो रही से फिर एक समय के बात है अच्छा जब भगवान राम बनवासी रही से हाँ जी अब बनवासी रही से माता सीता ला रावण हरण करके लेगे रही ले गए रही अब जब हरण करके लेगी से ना हाँ तो वियोग में हाँ तड़पत रहे माता सीता अच्छा अब जब वियोग आते ना तो लेके सुआ के माध्यम से हाँ जी अपन जो वियोग है हाँ, जो दर्द है हाँ, ओला सुवक माध्यम से भाव ला प्रकट करते हैं अच्छा जैसे सीता माता है रावण के लंका के लंका में रही से हाँ, और अपन विरह ला सुवक माध्यम से प्रकट करते हैं हाँ जी खेली हूँ काकर संग रही हूँ काकर संग खेली हूँ काकर
सुआवो तरी हरी नहन हरी ना तरी हरी नहन हरी नहन हरी ना मोर सुआवो तरी हरी नहन हरी ना मोर सुआवो तरी हरी नहन हरी ना सुआवो तरी हरी नहन हरी ना तरी हरी नहन हरी नहन हरी ना मोर सुआवो तरी 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 हरी नहन हरी भोलेनाथ पार्वती समझात रहे। अच्छा जब भगवान राम जी से वनवासी जीवन में मुलाकात हुई भगवान शंकर जात रहे पार्वती संग में अब जे जगह राम और लक्ष्मण घूमत रही से ना उस समय सीता हरण करके रावण लगे रही हाँ जी तो चिल्ला चिल्ला राम और लक्ष्मण घूमत रहे हे सीते हे सीते हे सीते राम चिल्लाए अब पेड़ ला पूछे पक्षी पूछे मोर सीतल देखे हो का अचानक भोलेनाथ की मुलाकात हुई रामचंद्र जी ला हाथ जोड़ के प्रणाम करी अब जब ये प्रणाम करी तो फिर से माता पार्वती के मन में अच्छा शंका उत्पन्न हो कुंभज ऋषि आश्रम में वो आसन में बैठ के कथा कहा रिश्ते एक प्रणाम करी हाँ। अब ये नान नान लड़का ऐसा महाराज मन घूमा थे वनवासी वनवासी वो एक प्रणाम कर भोलेनाथ होकर प्रणाम कर थे पगला हो गए वो भोलेनाथ पगला हो गए का हाँ। होकर मन में फिर शंका उत्पन्न हो गई फिर भोलेनाथ ला पूछे धलिस भोलेनाथ तू मन पगला वगला गे होगा ज्यादा गांजा वांजा पीड़ा रहे होगा हाँ। वहाँ जो कथा कहत रहते तुम्हारे पैर छू सब मन ये जगह में तुमन होकर पैर छू तो वो कौन है तेला बताओ बता भोलेनाथ कहे लगे पार्वती हाँ। यही तो हरे जेकर नाम में रात और दिन जपत रथो जपत रथो वही समय कर बेरा में भोलेनाथ है जी माता ये कैसे वो बोला थे अगर ये भगवान होती तो वो जान नहीं डारतीस जंगल में फिरती सही नी हाँ वो जान डारतीस भाई अंतरामी अब भगवान कही के कथो तुमन हाँ ये फिर शंका उत्पन्न हो गए भगवान भोलेनाथ कहे लगे पार्वती हाँ। एक बार कुंभज ऋषि आश्रम में शक करे हाँ। दूसरा बार जब भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम से जब मुलाकात हुई हाँ। तो फिर ते शक करे हाँ। तो अमर कथा ते सुने के लिए नहीं है नहीं यार मैं तो नहीं सुना हूँ तब पार्वती हट कर दी अच्छा कथे ना एक होते राज हट हाँ। एक होते बाल हट हाँ। और एक होते तिरिया तिरिया हट स्त्री के हट
भारी हो छे। आओ अरे काला बतावा रे ये नारी महिमा, जेला देवता घलो नहीं पाए पार। काला बतावा रे ये नारी महिमा, ऐसने कहे गए ना। आओ एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना, लक्ष्मी उमला बहु बनाए, काला बतावो मरे नारी महिमा। नारी मन के महिमा कोई पार नहीं पाएगा। हाँ वो रट कर दी। अच्छा भोलेनाथ बोला सुनना है, मतलब सुनना है, सुनना है। अरे चलो चलो का है गा यही हिमालय पर्वत भाई, भोलेनाथ ये कैसे गा पर्वत लागे भाई, अरे हमारे भूख में कैसे गा वो तो चला ना लागे, ये जंगल झमी पहाड़ पर्वत नदी नरवा मचाले भाई, मोरा वही घर सब भोलेनाथ जी मोरा जावा न लागे भाई, जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नरवा हाँ जी पार करत करत पार्वती हट कर दी, जीत कर दी। हिमालय पर्वत में एक अमर गुफा है, अमर गुफा, अमर गुफा में भोलेनाथ अमर कथा सुनाए बर लेगी, लेगे अमर कथा सुनाए बर जब लेगी ना भोलेनाथ कथे देख। हाओ यहाँ ध्यान से सुनबे भाई, सुनबे यहाँ फिर जैसे सब उत्पन्न हो रही सो इसने यहाँ मत कर, मत कर बे। अमर कथा सुनाए बर भगवान भोलेनाथ बैठ गए। हाओ पार्वती देखा थे। अच्छा और सही बात है, हाओ ये पार्वती है ना भगवान भोलेनाथ ला पाए बर हाओ जी बहुत तपस्या करी से। हाँ हाँ जब 12 साल की उम्र रही पार्वती के ना हाओ वो भोलेनाथ ला पाए बर काबर कर किस्मत में लिख दे रही, सुकर कर्म में लिख दे रही, लिख दे रही भोलेनाथ को पति बन ही कहीं के। हाओ तो 6 साल तक के तपस्या करी से। अच्छा भोलेनाथ ला पाए बर हाओ ओकर तपस्या के फलो ला मिली। हाँ चलो यही ओकर भाव ला माता पार्वती के भाव ला। जनम जनम हरि पद अनुराग, माता पार्वती के जो तपस्या करी ना हाओ ओकर भाव ला वो एक सुआ के माध्यम से देख। हाओ जी Thank you.
तपस्या करके पार्वती है भोलेनाथ ला पाए रिस दा। अच्छा तो जब वो हट करिस ना जीत करिस तो अमर गुफा में लेगी। अच्छा अमर गुफा में बोला कथा अमर कथा सुनाए के चालू करिस। चालू करी पार्वती है सुना तोरी से शुरू में हाँ। अब पार्वती ला समझाल धरलीस भोलेनाथ हाँ। कि पार्वती हाँ। अमर कथा में ऐसे है हाँ। अमर कथा में ऐसे हुई हाँ। अमर कथा में ऐसे हुई हाँ। ऐसे सब समझाल धरली तो पार्वती है हुँ, 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 ऐसे करत रही हाँ, हाँ, तो कहानी सुना सुना सुनत बीच में वो नींद पड़ गई पड़ गए। अब बीच में जब नींद पड़ी नहीं हाँ। तो वही करा एक ठो वही सुआ के अंडर हिस्सा हाँ जी मिठू अंडा पारे रही हाँ 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 भोला अंडर हिस्सा हाँ। अब वो मैं सुआ के जो पीला रही से हाँ। वो सुना तरी से अमर कथा ला। अच्छा अब अमर कथा ला सुना तरी पार्वती सूद गए हाँ। तो वो सुआ सुना तरी कथा ला हाँ। जब भोलेनाथ बोले पार्वती कथा ऐसे है हाँ। वो सुआ कहा है हूँ फिर सुना है पार्वती कथा ऐसे है सुआ कहा है हूँ करत 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 फिर अचानक भोलेनाथ देखे पार्वती हाँ। पार्वती नींद पड़ गई पड़े अचानक पार्वती उठी पूरा कथा सुने पार्वती पार्वती कथे नहीं भोलेनाथ हाँ। तो भोलेनाथ देखी अचानक हाँ, हाँ, वो भोला अंडा जीव पर गिर हाँ, हाँ, वो सुनिस बड़ा गड़बड़ हो गए अमर कथा लिए सुन डारिस अच्छा एकर कोनो दुरुपयोग हो गए कोई सुना पारिस हाँ, तो फिर अनर्थ हो जाए हाँ, तो भोलेनाथ बोल मारे बड़ा रही अच्छा वो सुआ उड़ा 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 सीधा वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गए पहुंच गए। अब वेद व्यास के जब आश्रम में पहुंची सना हाँ। तो वेद व्यास के जो पत्नी रही से हाँ जी वो मुहूल फारे रही गा। अच्छा अब मुहूल फारे रही ना तो अचानक वो जो तोता का बच्चा रही सुआ हाँ। वो कर मुहूम चल हाँ। अब मुहूम जाके सीधा पेट में उतर गए। फिर कुछ दिन के बाद अच्छा वेद व्यास के बेटा के रूप में अच्छा वो कर अवतार हुई जेला सुखदेव मुनि कहे जाते हाँ जी। अब वही सुआ हरे बोला शास्त्र के बहुत ज्ञान रही से हाँ। शास्त्र के नॉलेज रही से ताप। तो कहे के मतलब ये है कि ये जो सुआ के जो उत्पत्ति है ना यही से हो रही सुखदेव जी मुनि महाराज ला सुआ के नाम से जाने जाते हाँ। एकरे से थी वो मन के बात ला जानते मन के भाव ला जानते बिल्कुल यही ला हमार लोकगीत में सुआ के माध्यम से सब अपन अपन भाव अलग अलग रूप में प्रकट किए जाते हाँ। यही सुआ हरे हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है अच्छा। हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गीत है हाँ। कहे मोला धीरे धीरे खुदबे जी कुम्हरा हरे हरे। देखो हमार जो जीवन है ना हाँ। वो माटी से जुड़े हुए बिल्कुल जब कुम्हार हा घड़ा के निर्माण करे बार माटी खुदत रहते ना हाँ, हाँ, हाँ। तो कुम्हार से माटी डायरेक्ट बात करते हाँ। माटी कहे मोला धीरे धीरे खुदबे जी कुम्हरा है बोल बिंदा वन बिहारी लाल की।